हेलो दोस्तों, दोस्तों हम एक नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे SBI योनो यदि लॉगिन नहीं हो रहा है आपका ID तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे योनो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास दो इंटरफेस शो होगा। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर और दूसरा न्यू टू SBI। तो यदि आप न्यू यूजर हैं तो न्यू टू SBI पे क्लिक करके आप अपना ID और पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। यदि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो सबसे पहले वाला पे क्लिक करके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिम सिलेक्शन का आ रहा है सेलेक्ट सिम, तो जो भी आप बैंक में सिम रजिस्टर्ड है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद प्लीज वेट विल बी चेकिंग योर सिस्टम योर मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेंगे। जैसे ऑटोमेटिक ये वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा अकाउंट नंबर डिटेल्स, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे। जैसे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए। तो जो आपका इंटरनेट बैंकिंग का ID और पासवर्ड है तो आप यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे तो इंटर OTP, तो आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आ जाएगा। तो आप यहाँ पे तो OTP इंटर करेंगे, तो हम थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी OTP नहीं आया मेरे नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे आया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, प्लीज इंटर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड आर केस सेंसिटिव वोट। तो यहाँ पे ज़्यादा आप ट्राई करने के बाद आपका ID लॉक हो जाएगा 24 आवर के लिए। तो आप एक बार ट्राई कर लिए, यदि लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप जो है ना नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे लॉगिन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका यूजर ID ब्लॉक कर देगा। इसलिए चलिए हम इसे अब किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम योनो एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे SBI इंटरनेट बैंकिंग के ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो कंटिन्यू टू लॉगिन पे प्रेस करेंगे। तो आपको यहाँ पे अब जो है SBI ने नया नियम क्या निकाला है कि आपका यदि 30 दिन तक ID पासवर्ड लॉगिन नहीं करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, तो आपका ID और पासवर्ड दोनों के दोनों ID सेम रहेगा, पासवर्ड आपका जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से अब उस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करके और उसे हम योनो के SBI में किस तरह से ID को लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कैप्चा, तो हम चलिए यहाँ पे यूजर नेम इंटर करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देते हैं, देन यहाँ पे कैप्चा इंटर करके लॉगिन बटन पे सिंपली प्रेस कर देंगे। देखिए इनवैलिड यहाँ पे आया OTP, यू आर लेफ्ट विथ 2 मोर अटैम्प्ट। तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने के बाद आपका जो है ID ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर के लिए। तो हम चलिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा, आपको यूजर नेम भी पता नहीं है तो फॉरगेट यूजर नेम, सेट लॉगिन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूवल बाय ब्रांच और रिसेंट यूजर ID थ्रू SMS न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हमको यहाँ पासवर्ड फॉरगेट करना है, तो यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम आएगा, तो आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID है तो आप यहाँ पे यूजर ID दे देंगे। उसके बाद अब अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद कंट्री सिलेक्शन करके आप अपना SBI जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे।
इंटर द टेक्स्ट एज शोइंग इन द इमेज, जो भी आपको इस साइड में कैप्चर शो हो रहा है आप वो इंटर करके सिंपली सबमिट करेंगे। आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आया है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जो आया होगा यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। इंटर द वन टाइम पासवर्ड, इसमें सबमिट करने के बाद कंफर्म प्रेस करेंगे तो आपके पास उसके बाद तीन इंटरफेस शो होगा। सबसे पहला जो होगा यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, तो आप यहाँ से ATM कार्ड डिटेल्स डाल के आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। दूसरा है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, आप जो इंटरनेट बैंकिंग में जो प्रोफाइल पासवर्ड सेट किए होंगे वो यहां से प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करके आप फॉरगेट कर सकते हैं। एंड लास्ट है दोस्तों रीसेट योर लॉगिंग पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन, तो आपको ब्रांच जाना होगा यदि आप लास्ट वाला प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास जो है यूजर नेट बैंक इंटरनेट बैंकिंग का यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू कर रहे हैं तो मुझे प्रोफाइल पासवर्ड याद है, तो हम यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड अपना इंटरनेट बैंकिंग का इंटर करके सिंपली हम सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद दो इंटरफेस शो होगा, इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड एंड द कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो आप अपना यहाँ ID का इंटरनेट बैंकिंग का यहाँ से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपना पासवर्ड यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के बाद सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे तो योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हो गया। तो चलिए हम अब अपना इंटरनेट बैंकिंग जो SBI का ID पासवर्ड हम सेट किए अब उसे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो आप भी दोस्तों अपना इंटरनेट बैंकिंग का यदि पासवर्ड भूल गए हैं या योनो में कुछ लॉगिन में इशू आ रहे हैं ट्रबल आ रहे हैं तो आप इस तरह से रीसेट करके पुनः आप SBI योनो लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि 30 दिन के अंदर आप यदि ID को लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका पासवर्ड जो है एक्सपायर हो जाता है। तो चलिए हम यहां से आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। SBI सिंपली गूगल क्रोम में ही अभी आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम जाके SBI योनो भी लॉगिन करके दिखाएंगे। तो हम चलिए यहां पे गूगल क्रोम में कंटिन्यू टू लॉगिन करके सिंपली यहां पे यूज़र नेम इंटर करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड हम इंटर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कैप्चा इंटर करते हैं जो भी हमें नीचे शो हो रहा है। उसके बाद सिंपली हम लॉगिन बटन पे प्रेस कर देते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको एक OTP आया होगा, तो आप यहाँ पे इंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका ID सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो आप लेटर कर सकते हैं या तो वेरीफाई नो कर सकते हैं। तो देखिए मेरा जो है इंटरनेट बैंकिंग का सक्सेसफुली ID और पासवर्ड जो है जनरेट भी हो गया और लॉगिन भी हो गया। तो आप ये अपने इंटरनेट बैंकिंग का इस तरह से फॉरगेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। तो आप यहां से अपना अकाउंट को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। तो अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं SBI योनो के एप्लीकेशन में, वहां पे हम किस तरह से लॉगिन करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल के SBI योनो एप्लीकेशन में, सिंपली उस पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे हमारे पास दो फिर से इंटरफेस शो होगा, तो एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर पे क्लिक करके और जो आपका सिम रजिस्टर्ड उस पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेते हैं। और उसके बाद आगे हम प्रोसीड करके यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इंटर करके, तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद जो है
आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आप अपना यूजर नेम और इंटर पासवर्ड, यहाँ पे जो आप पासवर्ड अभी सेट किए थे, तो यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने के बाद रेफरल कोड ऑप्शनल है दोस्तों, यहाँ आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे वो आप ओटीपी इंटर कर लेंगे। चाहे तो आप ऑटो फिल कोड पे क्लिक कर देंगे तो मेरे नंबर पे ओटीपी आ गया। हम जैसे ओटीपी सबमिट करके नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेट न्यू एम पिन आएगा, तो जो कि आप 6 डिजिट का कोई भी एम पिन सेट यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन जिस टाइम लॉगिन करेंगे SBI योनो तो उस टाइम आपको ये एम पिन इंटर करने के बाद ही लॉगिन होगा। तो आप यहाँ सिंपली कोई भी डिजिट यहाँ पे एम पिन सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो हम यहाँ पे सिंपली ओके बटन पे प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ सक्सेसफुली मेरा योनो जो है यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो आप भी यदि आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप भी यहाँ से इस तरह से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके और अपने मोबाइल के SBI योनो एप्लीकेशन में अपना लॉगिन कर सकते हैं और यहां से अपना अकाउंट इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।